दोस्तों, एक इंसान की कीमत क्या होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बाद में दीजिएगा। उससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उसे गौर से सुनिए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला और बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह नोट कितने रुपये का है? सभी बच्चों ने कहा, 100 रुपये का। टीचर बोले, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया और कहने लगे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब फिर से टीचर ने बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिए। अब टीचर ने उस नोट को ज़मीन पर फेंका और अपने जूतों से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिए। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। यह 100 रुपये का नोट था, जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल सा गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपया ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपया ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है, वो हमेशा वहीं रहती है। आपके ऊपर कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कितनी भी मुसीबतों का धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी चाहिए। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। आपका जो फिंगरप्रिंट है, वह दुनिया में किसी और के फिंगरप्रिंट से मैच कर ही नहीं सकता। इसलिए आप अद्वितीय हैं और आपकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? और हाँ, जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछी थी, उसका आंसर आप लोग ज़रूर नीचे भेजिए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।